Hey aspirants, welcome back to our channel again. So, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th of July 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर. So, let's get started with the first question. And the first question is, Indian Navy Stealth Frigate INS Trikash conducted a maritime partnership exercise with which country's Navy? So, right answer of first is C, which is Sudan Navy, okay? तो इन दोनों के बीच में लाइक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की गई है. एंड यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज की जितनी भी मतलब एक्सपीरियंसेस या फिर प्रोफेशन जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे बात की गई. ओके, साथ में रेड सी में हुआ था ये पूरा एक्सरसाइज, मतलब हम लोग गए थे सुडान के पास. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वॉर प्रैक्टिस, फ्लाइंग ऑपरेशंस, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन, तो इन तीन चार अलग अलग चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया गया था. और यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ के पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि भाई जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किया जाए एक दूसरी की नेवी के साथ साथ, सो दैट की जो मतलब दोनों जो नेवी है वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सके. ओके, एंड साथ ही में जो दोनों कंट्री है उसके बीच में एक काफ़ी अच्छा खासा पार्टनरशिप बन सके. ओके, एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलरली INS Trikash है ये साथ में ब्राज़ील भी गया था, यानी कि साउथ अमेरिका में. अभी किस लिए गया हुआ है? जस्ट बिकॉज कि अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और मतलब ये चाहते हैं कि भाई हम वहाँ पर जाके अपना तिरंगा फैलाएं. ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है. रियो डी जेनेरियो ओके, उसके पास यहाँ पे किया जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोसिस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज ए, विच इज़ न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे हमारे राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया. एंड ये फर्स्ट एवर AI एग्जीबिशन है टू शोकेस द 75 AI enable products. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, तो बेसिकली AI को हम लोग कहाँ पे लेके आ रहे हैं? डिफेंस में. तो यहाँ पे 75 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग बनाया, साथ ही में ये 75 जो ये बनाया है हमने ये पूरा का पूरा इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत. ओके, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा. साथ ही में यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स से लाइक लोगों को उठाया गया था, जैसे कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को यहाँ पे बुलाया गया और साथ में इन सबको मिला जुला के ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाइक डेवलप किया गया. ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गेन करें तो ये जितने भी लाइक प्रोडक्ट्स हैं इसमें मतलब अनमैन्ड मिशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. रोबोटिक्स और भी कई सारे मतलब मिशन या फिर कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है. डिफेंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे आर्मी पर्सनल्स को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड द पब्लिश्ड पोएम राइटिंग एंड पब्लिकेशन दैट वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज ए, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ओके, तो क्या हुआ था कि लाइक 1974 से पहले जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें से कुछ कुछ देखो राइट मतलब पोएस्ट हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते थे वो भाई वो मतलब आंदोलन ना करने की जगह पर वो कुछ पोएम लिख दिया, राइटिंग्स या फिर कुछ भी पब्लिश करवा दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि जो आज़ादी का जो भावना है वो लोगों के मन में आए, मतलब बिना रेवोल्यूशन या फिर बिना हिंसा के सीधा किसी भी चीज़ को पढ़ करके. ओके, तो ये क्या था कि भाई ब्रिटिशर्स ने इन सब चीज़ों को बैन कर दिया, तो जो जो चीज़ों को यहाँ पे बैन किया गया उसको वापस से इसको यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लाइक इंडियन आर्ट भी है, साथ में लिटरेचर भी है, कुछ जर्नल्स भी दिए हुए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. स्पेशली यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का काफ़ी मतलब एक बड़ा योगदान रहा है, साथ में महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये पब्लिश कहाँ पे किया जाएगा? इट्स अ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया. ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक पूरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा. इसके अंदर कह सकते हो कि स्वतंत्रता स्वर मतलब पोएट्स है, मतलब पोएम बनाए दिए हुए थे और 9 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस को यहाँ पे मतलब बैन वगैरह भी कर दिया गया था, मतलब उसमें जितनी वैराइटीज आती थी उन सबको बैन कर दिया गया था. ओके, तो वापस फिर हम लोग रिवाइव करने वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट इज द GST अप्लाइड ऑन द सेल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी, विच इज 0%. तो बेसिकली यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर आपका जो फ्लैग है वो मशीन मेड है या फिर पॉलिस्टर का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ईजिली मतलब कर सकते हो विदाउट पेइंग GST. ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है. बेसिकली यहाँ पे लाइक बताया गया कि भाई नेशनल फ्लैग के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि भाई वो कैसे बना, कैसे कैसे हमने लाइक ऐसा नहीं कि लाइक हमने डायरेक्ट कुछ अभी जो हमारे पास अभी वाला है उसको हमने अडॉप्ट किया है, उससे पहले भी और कई सारे थे जिसमें पहले चरखा बना हुआ था पूरा, तो उस तरीके से यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया, तो भाई धीरे धीरे चेंज करके. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ में यहाँ पे दिया हुआ था कि लाइक जितने भी लोग हैं इन हिंदुस्तान के वो अपने घरों में नेशनल फ्लैग जो है वो 15 अगस्त के दिन
फहराएंगे. ओके तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ एनी वन वॉन्ट्स गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके कर सकता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अप्रूव HDFC, ICICI एंड एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन ओवरसीज प्रोक्योरमेंट. राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए विच इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप लोग जो है वो इंटरनेशनल परचेज में हमारा साथ दोगे. किस चीज़ में? जब भी हम कोई मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेंगे अब्रॉड से, कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प करना होगा थ्रू फाइनेंशियल. और यहाँ पे लाइक हर तीनों बैंक से यहाँ पे अराउंड 6666 करोड़ रुपीस लिया गया. तो यहाँ पे मिला जुला के देखें तो यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए यहाँ पे लिए गए तीनों बैंक को मिला के. ओके मतलब हेल्प करने, मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए. इसमें कई सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCS एंड IESH आर कनेक्टेड बाई विच वन. सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए विच इज RBI. ओके तो RBI ने यहाँ पे CCS, ये क्या होता है, इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और IESH ये क्या होता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड. ओके यहाँ पे दिया हुआ है. तो बेसिकली RBI ने क्या किया कि यहाँ पे 19 डिफरेंट सिटीज़ में लोगों को भेजा, अपनी टीम को भेजा और सर्वे करवाया किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर. ओके ये आप लोग याद रखिएगा. और कॉमन लोगों से यहाँ पे करवाया रिगार्डिंग प्राइस चेंजेस, लाइक जितने भी प्राइस चेंजेस है उनके ऊपर बात बात की. कुछ यहाँ पे 3 मंथ्स या फिर 1 साल के ऊपर पूरा मतलब यहाँ पे दिया हुआ था. तो मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वे ऑन इन्फ्लेशन चल रहा था, सीधा बात है, और लोगों से पूछा गया. तो ये जो टीम गई थी यहाँ पे पूछने का काम कर रही थी और उनका जितना भी यहाँ पे डेटा कलेक्ट हो रहा था, जो भी वो कमेंट कर रहे थे, वो इस सर्वे में यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्म पे लिखाया जा रहा था विद नेम एड्रेस वगैरह. और जो भी उन्होंने मतलब टिप्पणी किया है, जो भी उन्होंने कमेंट किया, वो यहाँ पे लिखाएगा. किसमें? CCS. क्या होता है ये? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे. नीचे वाला है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड. ओके आप और भी इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एनिमल. राइट आंसर ऑफ सेवन इज डी विच इज फिन व्हेल. तो पहला कौन है? पहला यहाँ पे ब्लू व्हेल है. ब्लू व्हेल गेम नहीं, ब्लू व्हेल सीधा. ओके तो ये काफ़ी मतलब ये बोला गया. साथ में यहाँ पे जो ब्लू व्हेल है ये किसका कितना मतलब इसका अप्रॉक्स 110 टन का बताया जाता है. ओके एक्सेप्ट दैट जो फिन व्हेल है यहाँ पे अराउंड 80 टन का है ये, और इसकी जो लेंथ है वो 26 मीटर. सोच लो कितना बड़ा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज़ नेशनल फिश फार्मर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली. तो राइट आंसर ऑफ एट इज बी विच इज 10th of July. ओके तो इसको 10th of July को मतलब सेलिब्रेट करते हैं. और 21 एडिशन, कितने एडिशन था? 65th एडिशन था ये वाला. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो भी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जो एक्वेटिक सेक्टर में काम करते हैं उनको उन्होंने मतलब अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखी है विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो ये एक्वेटिक सेक्टर है या फिर मरीन सेक्टर जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर तो एक्वेटिक सेक्टर जो है वो काफ़ी लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इवन मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सीधी बात करें. साथ में इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट भी मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करता है और समहाउ सॉलिडेटरी ये यहाँ पे बनाए रखता है. तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है कहाँ पे, फिश वाला या फिर कह सकते हो एक्वेटिक. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडियाज GMR ग्रुप स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ कुलनमू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मेडन इन विच कंट्री. राइट आंसर ऑफ 9th इज सी विच इज इंडोनेशिया. ओके तो इंडोनेशिया में यहाँ पे GMR ग्रुप जो है वो एक इंडियन ग्रुप है यहाँ पे स्टार्ट कर, लाइक GMR जो है वो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है. ओके ये भी आप लोग याद रखिएगा. ये अभी यहाँ पे चले गए हैं कहाँ पे, इंडोनेशिया में. ओके यहाँ पे बोला है कि भाई इंडोनेशिया में जो इनका जो एविएशन सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है तो उसमें हम यहाँ पे जाके हेल्प करेंगे. कितने सालों के लिए? 25 ईयर्स के लिए. ओके साथ में यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस भी यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी बाय GMR ग्रुप इन इंडोनेशिया. ओके साथ में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी यहाँ पे डेवलप करने की पूरी तरीके से बात की गई है. GMR ग्रुप के अंदर दिल्ली के कुछ यहाँ पे एयरपोर्ट्स आते हैं, हैदराबाद के आते हैं. साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इंटरनेशनल भी है, जैसे कि ग्रीस में इनका एक है, इसके अलावा यहाँ पे फिलीपींस में इनका, तो काफ़ी मतलब फैला हुआ बिजनेस है. ओके 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 और अभी कहाँ पे गए? इंडोनेशिया में. क्यों गए? वाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी लाइक एक फास्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई टेक्नोलॉजी फॉर द कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु. सो राइट आंसर ऑफ 10th इज ए विच इज रशिया. ओके तो रशिया जो है वो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ यहाँ पे टेक यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है. लाइक टेक की जगह पे आप टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो. कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में. ओके तो यहाँ पे बेसिकली दे आर गिविंग अ न्यू सेंसर डिजाइन फॉर थर्मल कंट्रोल. ओके लाइक थर्मल मतलब जो हीट वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए. ओके साथ में यहाँ पे इंटरनल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम जो है वो पूरा यहाँ पे रिप्लेस करेगा. ओके बाय रशिया के कुछ मतलब जो कहते हैं ना साइंस एंड इनोवेशन ग्रुप है इनका. ओके
इसको ये बोलते हैं, साथ में यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, ओके। तो इन दोनों जो है वो साथ में मिल करके ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको अपडेट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी इन द 5 नॉर्दर्न रीजन अराउंड द पो रिवर गिवन द सेवरल ड्राउट। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज इटली। तो इटली का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे एक पूरा ड्रॉट आ गया और बोला गया कि भाई ये 70 साल में सबसे वर्स्ट कंडीशन ऑफ ड्रॉट यहाँ पे आया, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उसका यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ओके। एक्सेप्ट दैट लैक ऑफ रेन एंड राइजिंग टेम्परेचर, ये दो यहाँ पे मेन फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम ड्राउट यहाँ पे आ गया। एक्सेप्ट दैट 30% ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इटली का वो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे खत्म हो चुका है या फिर खराब हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड लेस वाटर डब्ल्यू, ओके, इसकी वजह से। तो इसने यहाँ पे अलग अलग 5 जो नॉर्दर्न रीजन में जो अलग अलग 5 जो इनकी स्टेट्स हैं उसमें यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, ओके, पो रिवर के पास, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कंडक्ट द 1 डिस्ट्रिक्ट पावर प्रोडक्ट विथ ONDC। राइट आंसर ऑफ 12th इज डी विच इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया, ओके। तो बेसिकली इसके अंतर्गत क्या होने वाला, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो यहाँ पे और कहाँ पर, ओवर डिजिटल नेटवर्क, ओके, मतलब डिजिटल या फिर ऑनलाइन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ई कॉमर्स पोर्टल यहाँ पे ओपन किया गया है फॉर देयर गुड्स या फिर जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उनके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक बूस्टअप मिलेगा उन लोगों के लिए जो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट नहीं कर पाते। पहले साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है जो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पे डिजिटल वे में चीज़ों को सेल आउट या फिर बाय कर सकते हो, ओके, काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए विच इज़ जर्मनी। तो ये बॉन जो है ये बेसिकली जर्मनी में एक सिटी कह सकते हो, सिटी है, ओके, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे और भी चीज़ भी बताई गई जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, साथ में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, साथ किन सब चीज़ों से, हंटिंग, गैदरिंग एंड इवन जो पोचर्स होते हैं उनके अटैक से। इंडिया में कई सारे यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं जिसको हम लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बोलते हैं, ओके, ऑफेंस हो जाएगा क्योंकि, और मतलब ऑफेंस इसलिए बिकॉज वाइल्ड एनिमल को आप लोग किसी भी तरीके का इंजरी मार नहीं सकते हो। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ट्राइबल लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी छूट दे दी गई है, वाई, बिकॉज ये ट्राइबल पीपल होते हैं उनका पूरा का पूरा जो डिपेंडेंस होता है वो फॉरेस्ट और उसकी रिसोर्सेज पे होता है, ओके। तो यहाँ पे इनको मतलब परमिशन है कि भाई आप कर सकते हो जो आपको करना है, वाई, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग इट आउट, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, दे आर जस्ट लिविंग ऑन फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस द विनर ऑफ 2022 फील्ड मेडल। राइट आंसर ऑफ 14th इज बी विच इज इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ मैथमेटिकल यूनियन, ओके, तो यहाँ पे ये एक हाईएस्ट ऑनर है किस चीज़ के, किस फील्ड में, मैथमेटिशियन के फील्ड में, और आपकी एज 40 बिलो होनी चाहिए तब जाके आपको ये अवार्ड मिलेगा, ओके। कहाँ पे हुआ था, हेलसिंकी जो कि फिनलैंड में, इससे पहले मतलब ये शेड्यूल था रशिया में, लेकिन रशिया ने काफ़ी अच्छा काम किया उसकी वजह से यहाँ से हटा दिया, बोला इतना अच्छा काम मत करो आप लोग, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे फील्ड मेडल है इसको हम लोग नोबल अवार्ड भी बोलते हैं या फिर नोबल प्राइज भी बोल सकते हो आप इन मैथमेटिशियन मतलब मैथमेटिक्स, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 4 अलग अलग विनर्स हैं, आप उनका नाम जानो, जो कि एक जो विनर है वो बेसिकली यूक्रेन से ही बिलोंग करता है लेकिन वो रहते स्विट्जरलैंड में, ओके। तो आप लोग इन 4 विनर्स का नाम एक बार देख लीजिएगा, ओके, काफ़ी आड़े तेढ़े नाम है इसलिए मैंने ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज रिपोर्ट बाय होम इंडियाज मैल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन हैज़ बिकम डाउन टू 224.3 मिलियन इन लास्ट 15 ईयर्स, ओके। राइट आंसर ऑफ 15th इज सी विच इज़ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है, वाई, बिकॉज लाइक लास्ट 15 ईयर्स में जो हमारा माल न्यूट्रिशन का या फिर जो कह सकते हो कि हाँ माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है या फिर जो लोग हैं वो कम हो चुके हैं, कितने कम हुए यहाँ पे दिया हुआ, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो इंडिया में जो अडल्ट हैं वो थोड़े से फैट हो गए हैं या फिर आप कह सकते हो इसके लिए बेस्ट वर्ड है ऑप्सीन, ओके, ऑप्सीन हो गए, ओके। एंड यहाँ पे बोला गया कि जो वुमेन्स हैं वो अनीमिया की शिकार हो गई हैं। ऑप्सीन मतलब कि मोटे लोग और अनीमिया मतलब कि
लैक ऑफ ब्लड इन देयर बॉडी। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये भी चीज़ें दी गई है। साथ में यहाँ पे बोला गया कि हमने जो ये पर्टिकुलर जो अचीवमेंट अभी किया है लाइक इन लास्ट 15 ईयर्स, ये किसकी वजह से हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे हुआ है क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, डिस्ट्रीब्यूट किया उन लोगों के लिए जो सही में मतलब इसके लिए एप्लीकेबल थे। साथ में जो हमारे राशन शॉप्स होते हैं या फिर क्या, हाँ राशन शॉप जो होते हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली COVID-19 के टाइम पे। मतलब इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया का यहाँ पर दे दिया गया COVID-19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा सा और बढ़ने के चांसेस और हो गया, मतलब कि जो माल न्यूट्रिशन या फिर जो हंगर है वो काफ़ी बढ़ सकता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो दोनों हैं जो यहां पे वीट का प्रोडक्शन करते हैं और दोनों मतलब इन्होंने बंद कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द अथॉरिटी ऑफ व्हिच कंट्री हैव किल्ड मिलियंस ऑफ बीज टू स्टॉप द डिवास्टेटिंग प्लेग कॉल्ड वरोरा। तो राइट आंसर ऑफ 16 इज ए, व्हिच इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे ये काफी मतलब कि एक लाइक इंपॉर्टेंट यहां पे स्टेप लिया है और ये लास्ट 2 वीक्स में ये यहां पे पूरा इंसिडेंट किया है। ओके, तो ये इनको यहां पे पता है कि भाई अगर हम लोग इस पर्टिकुलर जो विराव को है इसको ख़त्म नहीं करवाएंगे तो ये आने वाले टाइम पे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम दे सकता है। इसके लिए यहाँ पे किया जो ये पर्टिकुलर जो ये है ये बेसिकली एक पैरासाइट प्लेग है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है ये बीज में चला जाता है और उसके बाद फिर बाकी अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, एंड इसके थ्रू जो हमारे जो जितने भी पॉलिनेशन है, फूड सिक्योरिटी है या फिर फूड सिस्टम है उस पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ने वाला है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे काफ़ी सारे बीज को यहाँ पे यानी कि मधुमक्खी को मार दिया गया है। इवन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस है, बट जो ऑस्ट्रेलिया है काफ़ी मतलब कि लाइक एजुकेटेड कंट्री है तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को हराने के लिए बीज को मारा, सो दैट कि इन फ्यूचर कोई सीवियर यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has recently won the Wimbledon women's single title? So right answer of 17th is B, which is Anna Rybakina. आपको सिर्फ Elena Rybakina. Okay, right answer. Okay, यहाँ पे आपको सिर्फ नाम याद रखना. Okay. Next question is, recently the finance minister of finance has extended the exemption of custom duty on import of raw cotton for how many months? So right answer of 18th is B, which is for 2 months. Okay, तो यहाँ पे 2 months की जगह पे आप कह सकते हो till 30th of September. Okay. यहाँ तक का दिया हुआ है तो इससे क्या होने वाला है, जैसे ही यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी कह सकते हो या फिर जो भी है यहाँ पे जो टैक्स लगता है उसको यहाँ पे हटा देने से यहाँ पे जो कॉटन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, और इससे क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो कंज्यूमर है इसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, और जितने भी रॉ कॉटन जो इस्तेमाल करके कोई एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है, बट ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, सिर्फ 2022 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया राइज टू -% इन जून। राइट आंसर ऑफ 19th इज सी, विच इज 7.8%। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये दिया गया, साथ में यहाँ पे और कुछ बोला गया जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी खतरनाक था। इन लास्ट मंथ लाइक बोला गया कि लाइक 13 मिलियन जॉब्स आर खत्म। ओके, लाइक खत्म हो चुके हैं इतने जॉब एंड मेनली फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब इसमें से मैक्सिमम जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ओके, ये सारी रिपोर्ट किसने लॉन्च किया था? CMIE, ये कौन है? इट्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भाई इसने इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज़ किया है और ये बोला जा रहा है कि भाई अभी मतलब ये हल्का सा स्लाइटली कम हुआ है। इससे पहले आई थिंक मई में ये 8 क्रॉस कर गया था, लाइक अराउंड 8 point something था यहाँ पे, तो अभी बोला गया कि भाई स्लाइटली हल्का सा कम हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When was World Population Day is observed? So right answer of 20 is C, which is 11th of July. Okay. तो basically यहाँ पे बताया गया ओवर पॉपुलेशन के ऊपर कि लाइक ओवर पॉपुलेशन जो है वो अपकमिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे मतलब जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, लाइक कितना है बता देता हूँ, यहाँ पे अराउंड 800 crore पीपल आर लिविंग ऑन इन द अर्थ। ओके, या फिर ऑन द अर्थ कह सकते हो, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई देर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेचर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, पॉल्यूशन भी हम ही लोग कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर या फिर वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स, और भी हर जगह जो भी है यहाँ पे है वो ओवर पॉपुलेशन के कारण बढ़ रहा है। इवन जो यहाँ पर रिसोर्सेज है उसको भी यहाँ पर लाइक हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, और अपकमिंग टाइम में जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो अर्थ के हेल्थ के लिए काफ़ी ये प्रॉब्लम आने वाली। ओके, ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओजोन मतलब O3 में यहाँ पे एक होल हो चुका है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस किया गया, भाई जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी मतलब जो ओवर पॉपुलेशन है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है कि लाइक
किस तरीके से आप ओवर पॉपुलेशन को या फिर पॉपुलेशन को आप कम कर सकते हो, ओके, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर दैट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।